अरे यार, बड़े दिन हो गए बाहर जाकर कहीं कोल्ड ड्रिंक पिए हुए। आज जाकर पीछा छूटा है इन एवेंजर्स से। आज एकदम मस्त चटाकेदार मसाला सोडा और कोल्ड ड्रिंक पी के आता हूँ बिना किसी एवेंजर को बताया। यार इनको पता भी नहीं चलेगा। अरे ना, मैं जाता हूँ पीने के लिए तो ये सारे के सारे मेरे पीछे ही आ जाते हैं और मेरे संग संग पी भी लेते हैं। सबका पैसा मेरे को देना पड़ता है, लेकिन आज मैं अकेले जाऊंगा, जितना मर्जी उतना पी के आऊंगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। दुकान कहाँ गई? अरे यार, इधर एक दुकान हुआ करती थी, कहाँ गई? अरे दुकान रातों रात गायब हो गई। ये रही दुकान। चलो चलो चलो, इसके अंदर जल्दी से चलते हैं, मस्त एकदम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं यार। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, जरा कोल्ड ड्रिंक देना। हेलो सर, बताइए कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे आप? अरे वो सबसे महंगी वाली देना। अरे सर, कितनी कोल्ड ड्रिंक दूं? अरे एक ही दो ना यार, मैं अकेला ही आया हूँ। अच्छा ठीक है सर, अभी लाता हूँ। ठीक है, जल्दी लाओ यार, बहुत ही तेज प्यास लगी है, मजा ही आ जाएगा आज तो। अरे बस कुछ पियेंगे? अरे हाँ हाँ यार, मेरा बड़ा गला सूख रहा है, एक काम करो जरा आइसक्रीम खिलाओ। अरे बस गला सूख रहा है तो आइसक्रीम? अरे हाँ यार, थोड़ा गला दर हो जाएगा आइसक्रीम खा के। अरे ठीक है बस, अभी किसी दुकान के आगे रोकता हूँ। कोई दुकान वुकान तो नजर नहीं आ रही। चलो कोई नहीं यार, उधर रोड की साइड कोई दुकान मिल जाएगी। अरे नहीं बॉस, मिल गई दुकान, मिल गई। अरे वाह यार, ये हायाबूसा किसकी है? अरे बॉस यार, हायाबूसा तो बड़ी तगड़ी लग रही है। अरे हाँ यार, ऐसी हायाबूसा तो हमारे उस दुश्मन के पास भी थी ना। अरे किस दुश्मन के पास बॉस? अरे वो हल्क, हरा आदमी। अरे हाँ बॉस, सही कहा, उसने हमारी बहुत बार बैंड बजाई है, बहुत बार। अभी तो सही है, वो नजर नहीं आता। अरे हाँ यार, सही कह रहे हो। वैसे भी यार, वो जब भी दिखता है मेरे तो डर के मारे पैंट गीली हो जाती है यार, डर लगता है मुझे तो उससे बहुत ज्यादा। अरे हाँ बॉस, सही कह रहे हो, सही है, वो नजर नहीं आता। अरे बॉस, अरे क्या हो गया यार? अरे बॉस, ये हल्का बच्चा तो यहीं पर है। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे यार, इसका मतलब ये हायाबूसा उसी की है। अरे यार, मुझे लगा ही था कि ये हायाबूसा ये हल्की है, उसके अलावा हो भी किसकी सकती है। अरे तो बॉस क्या करना है, निकले पतली गली से? अरे नहीं यार, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरे कैसा मौका बॉस? अरे यार, तुम्हारे पास बंदूक है? अरे हाँ बॉस, बिल्कुल है। एक काम करो, फटाफट से पट से हेडशॉट मारो उसके और उसको लेकर चलो अपने संग। वैसे भी ये अवेंजर अपने इतनी आसानी से कभी भी अपने हाथ नहीं आया है, आज इसको अपने संग ही लेकर चलते हैं। अरे बॉस सही कहा, और सारे बदले भी ले लेंगे। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे बॉस जाता हूँ, इसके पट से हेडशॉट मार के आता हूँ। अरे जाओ जाओ यार, उड़ा देना खोपड़ी एकदम इसकी। ठीक है बॉस, अभी इसके हेडशॉट मारता हूँ बॉस। गया गया बॉस, गया। हेड पे भी मार दिया और सीधे छाती में भी मार दिया। अरे वाह यार, मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अब एक काम करो, फटाफट से इसको गाड़ी के अंदर रखो और लेकर चलते अपने संग में। अरे ठीक है बॉस, ठीक है, मजा आ गया। वैसे तुमने सिर में तो मारा है ना? अरे हाँ बॉस हाँ, वैसे सिर में क्यों यार? अरे क्योंकि अगर कहीं और मारोगे तो भाई साहब ये बहुत ही जल्दी उठ जाएगा। टेंशन मत करो बॉस, हेडशॉट ही मारा है। अरे अब इन लोगों को क्यों मार रहे हो? अरे क्योंकि इन लोगों ने हमें हल को मारते हुए देख लिया है बॉस। अच्छा अच्छा, चलो चलो, अब हल को लेकर आते हैं और लेकर चलते हैं अपने अड्डे पर। वहाँ पर इसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, बहुत परेशान किया इसने हमें, आज सारा बदला निकाल लेंगे। अरे अब चलो चलो। अरे यार, वैसे इसको गाड़ी में ही रख लेते। अरे कोई नहीं बॉस, इसी के अंदर फटाफट लेकर चलते हैं। अरे अब जल्दी से चलो यार, इससे पहले कि इसके बाकी एवेंजर साथी आ जाए। अरे ठीक है बॉस, ठीक है, फटाफट से चलते हैं अपने सीक्रेट वाले अड्डे पर, जिस वाले अड्डे के बारे में किसी को नहीं पता। अरे हाँ, उसी अड्डे पर चलो यार, उसी अड्डे पर। ठीक है अरेंजमेंट, ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे यार जल्दी आओ फ्रैंकलिन। अरे आ रहा हूँ यार। पता नहीं गाइस, क्या ही ड्रामा है यार इन एवेंजर्स का। कुछ भी होता है यार, सीधे मेरे को ही बुला लेते, जैसे कि मैं तो एक बहुत ही बड़ा वाला डिटेक्टिव ठहरा हूँ। अरे फैबे, तुम डिटेक्टिव नहीं, तुम तो एक नंबर के चोर हो। चोर क्यों भाई? अरे क्योंकि तुमने मेरे वाले जूते पहन रखे हैं। तेरे वाले जूते? अरे हाँ, ये जूते मैं अपने लिए मस्त खरीद के लाया था। एक सेकंड, ये तेरे पैरों के साइज के तो लग नहीं रहे। अरे मेरे पैरों के ही साइज के थे यार, तुमने जबरदस्ती पैर ठूस ठूस के उनको फाड़ दिया। अरे यार वो थोड़ा सा फट गया। अरे लेकिन ऐसा क्यों किया यार? अबे मेरे भी जूते ऐसे ही थे ना, तो मेरे को लगा ये मेरे ही जूते हैं, मैंने जबरदस्ती पैर घुसाने की कोशिश करी और ये फट गए। मैं तभी कह रहा हूं ये जूते इतने टाइट क्यों आ रहे हैं। अरे फैबे यार, क्या ही हालत कर दी मेरे जूतों की, एकदम फटीचर। छोड़ ना, कोई नहीं भाई, कोई नहीं। अरे वैसे ये आयरन मैन का फोन क्यों आया था? अबे बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है यार। भाई साहब कल क्या हो गया भाई, जरा हमें भी तो बता। अबे भाई साहब, बात ये हुई है, अवेंजर्स का हल्क नहीं है हरा वाला आदमी। अरे हाँ बिल्कुल,
पता है वो हरा हरा। अबे हरा हरा नहीं मतलब अवेंजर्स का जो हल्क है। अरे हाँ हाँ उसको क्या हो गया यार? अबे भाई साहब। अरे उसके पेट में दर्द है। अरे पेट में दर्द है तो यार डॉक्टर के पास दिखाने जाओ। अबे भाई साहब अगर गैस है तो मेरे पास एक बस्त वाला चूरन है, गैस ठीक हो जाएगा। अबे पहले पूरी बात तो सुन ले, तुम लोग अपना अलग ही ज्ञान देना शुरू हो जाते हो। अबे भाई साहब उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे वो कहाँ गया? यही तो नहीं पता चल रहा है। अबे भाई साहब यार फिर कैसे उन्हें पता कि उनका पता नहीं चल रहा? अरे तुम लोग क्या पागल हो? अरे यार अवेंजर्स का कहना ये है कि वो लोग मतलब हल्क के साथ ही थे, लेकिन कुछ ही देर पहले हल्क गायब हो गया। अरे यार गायब हो गया मतलब कहीं घर से बाहर गया, वो तब से लौटा ही नहीं। अरे तो इसमें क्या है यार, पार्टी वार्टी करने क्या होगा? अबे चल चल, हल्क का कोई दोस्त ही नहीं है। अरे हाँ यार वैसे भी उतने मोटे कद्दू जैसे आदमी का दोस्त बनेगा भी कौन है? क्या बोल रहा है तू? अरे कुछ नहीं यार, चलो हमें मदद करनी चाहिए। हाँ वही तो यार, मैं जा रहा हूँ मैं तो अवेंजर्स के घर, तू भी आएगा तो आ जा। अरे यार हाँ मैं भी आ रहा हूँ। मैं भाई साहब कलो यार मेरी भी जरूरत पड़ेगी, मैं भी आ रहा हूँ। तू क्या करने आ रहा है भाई? मैं भाई साहब यार तुझे तो पता ही है मेरी नाक कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तेरी नाक सिर्फ खाने को ढूंढ सकते है, किसी इंसान को नहीं। मैं भाई साहब भूल गया, एक बार शिनचैन खो गया था तो उसे ढूंढने में मैंने मदद करी थी। हाँ चल चल, घर से बस दो कदम तक ढूंढ पाया था, उसके आगे कह रहा मेरी नाक ने सूंघना बंद कर दिया, बस इतना ही ढूंढ सकता हूँ मैं। मैं भाई साहब वो तो कभी कभी होता है। चल चल तेरे बस की कुछ नहीं है। पता नहीं गाइस हल्क कहाँ गया। अरे जल्दी आओ भाई, तुम लोग कितनी देर लगा रहे हो इधर, एक हल्क खो गया और तुम पता नहीं क्या करे जा रहे हो। अरे यार मैं सुसु करने गया था। यार तू एक बात बता, तेरे को ऐसे क्रूशियल टाइम पे ही सुसु क्यों लगती है? अरे वैसे तुम्हें एक बात बता यार। क्या भाई? अरे गाड़ी कहाँ से चुरा कर लाए? ओए नई गाड़ी खरीदी है मैंने ये। भाई साहब चुरा के लाए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हमेशा मैं गाड़ी चुराता हूँ? अरे क्योंकि तुम्हारे कपड़े देखो यार एकदम भिखारियों वाले हैं, और गाड़ी देखो यार। बे चुप हो जा तू, फटाफट से आ जाओ जल्दी से। अब आ जाओ भाई आ जाओ। अबे ये शिनचैन कहाँ रह गया? अरे बोला तो था मैं सुसु करने जा रहा हूँ। इतनी देर? अरे हाँ यार थोड़ा टाइम लगेगा। अरे जल्दी बैठ भाई, इतने में तो हल्क का भाई कंकाल भी बन जाएगा। अरे यार बैठ गया चलो अब। ओके सो गाइस फटाफट से एवेंजर्स के पास निकलते हैं यार, देखते हैं आखिर में प्रॉब्लम क्या हुई है। ये एवेंजर्स भी भाई साहब अजीबो गरीब ही है। अरे क्यों यार? अबे इसीलिए क्योंकि भाई अभी हल्क उनके साथ ही था कुछ देर पहले, और इतनी सी देर में भाई गायब भी हो गया, पता नहीं क्या ही करते रहते हैं। अरे यार वो मस्त एकदम बातें करने में बिजी रहते हैं। अबे हाँ कुछ काम धाम तो है नहीं, बस पावर्स मिल गई हैं उनका, कभी इस्तेमाल करना तो आता नहीं है। एक काम करता हूँ उनमें से किसी की पावर ले लेता हूँ मैं। अरे फिर क्या, मैं भी बातचीत करूंगा। अरे यार तुम तो बिना पावर के इतनी बातचीत करते हो यार, पावर के साथ क्या करोगे? तो चुप हो जाए यार, अभी फटाफट से गाइस एवेंजर्स के पास निकलते हैं, देखते हैं ये आखिर हल्क कहाँ ही गायब हो गया। बे यार ये हल्क को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अरे या फिर नाला पी गया? नाला पी गया, ये क्या बोल रहा है? अरे यार हाँ यार तुमने खाने का भी बोल दिया, निकलने का भी बोल दिया, पीने का तो बोला ही नहीं, इसलिए मैंने बोला नाला पी गया। बे चुप हो जा तू। ओके सो गाइस फाइनली एवेंजर्स के घर पे हम लोग आ चुके हैं। आयरन मैन ने फोन किया था, जरा देखे भाई आयरन मैन क्या कहता है। ओके सो गाइस फटाफट से चलते हैं यार। आयरन मैन भाई, ओ हेलो आयरन मैन, क्यों बुलाया तूने सुबह सुबह, बता यार क्या हो गया हल्क को? अरे यार देखो बात कुछ ऐसी है, हल्क हमारा खो गया है, मुझे शक है कि जो हमारी एकदम खतरनाक गैंग से फाइट हुई थी कुछ दिनों पहले, उसी गैंग ने उसे पकड़ा है। ओ आई सी, तो भाई साहब बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब गैंग को जाकर बचाओ, हल्क से काफी ज्यादा खतरा है उन्हें। अरे यार क्या बोल रहे हो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हल्क को काफी ज्यादा खतरा है। चल हल्क को कहाँ से खतरा होगा यार, कोई तो उसका कुछ उखाड़ नहीं पाता, बल्कि वही जहाँ जाता है सबको उखाड़ पुखाड़ देता है। अरे यार नहीं, इस बार बात कुछ ऐसी है, उसको गोली मारी गई है। तुझे कैसे पता? अरे यार एक्चुअली में हल्क गया था एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, और हमने जैसे ही पता किया कि हल्क वहां पर गया था, वहां पर गोली चली है, हम लोग गए दुकान का सीसीटीवी कैमरा चेक किया, और हम लोगों को सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि ये गैंग लेकर गई हल्क को, वो भी उसके सीने में एक गोली मार के और सिर में एक गोली मार के। भाई साहब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ यार, इस बार हल्क का बचना मुश्किल है। ओके तो जल्दी जाओ ना भाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार असल में हम लोगों ने लोकेशन भी ट्रेस कर लिया है। अच्छा बस यार कुछ देर में कंफर्मेशन से फोन आ भी जाएगा लेस्टर का। अच्छा लेस्टर से ही ट्रेस करवाई है? अरे हाँ यार कुछ देर में लेस्टर का फोन आएगा और हम लोग जाएंगे फिर वहाँ पर हमला करने। बस बस इसका आगे बताने की जरूरत नहीं है, हमला करने मैं जा रहा हूँ। अरे यार तुम क्यों जा रहे हो? अबे भाई साहब तुमने मुझे बुलाया इतनी दूर से, मैं तुम लोगों की बात सुनने के लिए आया, भाई साहब मैं अकेले हमला करने जाऊंगा। अरे यार रहने दो। अबे नहीं नहीं तू मेरे ऊपर सारी बात छोड़ देना भाई, तू मेरे ऊपर छोड़ दे। एक काम कर, इनमें से किसी की पावर भी दिलवा दे मुझे। अरे लेकिन वो क्यों यार? अबे भाई साहब तू छोड़ देना मेरे पे, मैं वहां पर गैंग्स को एकदम बढ़िया तरीके से पावर से निपटा डालूंगा, तू टेंशन मत ले। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है यार हल्कबस्टर तुम अपनी पावर्स दे दो इसे। अरे मैं अपनी पावर दे दूं? अरे हाँ हाँ हल्कबस्टर इतना क्या शर्मा रहा भाई, पावर ही तो देनी है। ठीक है यार ठीक है, फटाफट से दे दे यार, तुझे एक आध घंटे में लौटा दूंगा मैं वापस। ठीक है यार लेकिन मेरी पावर का गलत इस्तेमाल मत करना। गलत इस्तेमाल क्या, आधे घंटे
घंटे में दुनिया उखाड़ लूंगा मैं, जल्दी पावर दे। ओके सो गाइस, यहाँ पर मुझे मिल चुकी है हल्क बस्टर की पावर्स। अरे यार वैसे यार इसके एक्टिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है यार। ओके सो गाइस फटाफट से चलते हैं बाहर की साइड। अभी तुम लोग एक काम करो, जैसे ही लेस्टर कंफर्मेशन दे उस लोकेशन पर हल्क है, वो लोकेशन फटाफट से मेरे मोबाइल पे सेंड कर देना। मैं अभी चुटकियों में बचा कर लाता हूँ हल्क को, तुम लोग टेंशन काय को ले रहे हो। अरे फेमे यार तुम बचाने जा रहे हो क्या हल्क को? भाई साहब यार कलुआ यार रहने दे, तू तेरे बस की बात नहीं है। मैं भाई साहब पावर ले लिया मैंने हल्क बस्टर से, अब तो इजिली बचा लूंगा मैं हल्क को। अरे भाई पिंचन तुझे क्या हो गया इधर? अरे फेमे वो इधर सुसु करने गया था। अबे यार तुम लोगों की सुसु कभी खत्म ही नहीं होती। चल भाई बैठ पिंचन। अरे कर लिया सुसु। अरे यार एक घर पे करके आया, एक इसके घर पे कर रहा है, अब चौप ही बाकी है। अब ऐसे मैं तो जहाँ पर हल्क पड़ा है वहाँ पर ही जाकर सुसु करके आऊंगा। अब बस चुप हो जा तू। ओके सो गाइस फटाफट से यार हम लोग उस अड्डे पर निकलते हैं जहाँ पर उस गैंग ने गाइस हल्क को पकड़ के रखा है। भाई सब हिम्मत तो देखो, उस गैंग की हल्क को गोली मार के गए हैं। अब भाई साहब यार कलुआ थोड़ा संभल के रहियो। क्यों भाई क्या हो गया? भाई साहब मैंने एक फिल्म में देखा था एक गुंडा हीरो को मारता है। अच्छा फिर उसके बाद हीरो की याददाश्त चली जाती है। अच्छा गोली मारता है सिर में? अबे हाँ भाई साहब ऐसा ही होता है एक फिल्म में। अच्छा लेकिन मेरे को नहीं लगता भाई हल्क की याददाश्त जाने वाली है। भाई साहब मैंने कब कहा याददाश्त जाने वाली है? तो क्या कहना चाह रहा है तू? भाई साहब क्या पता उसका थोड़ा दिमागी संतुलन वगैरह हिल जाए, या फिर वो पागल हो जाए, या फिर वो कुछ ज्यादा गुस्से वाला हो जाए। भाई कुछ भी हो सकता है। अबे चल चल भाई, फिल्म में हीरो एक नॉर्मल आदमी होगा, यहाँ पर तो हल्क एक एवेंजर है, उसका गोली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा भाई साहब ये तो बेटा वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। ठीक है गाइस फटाफट से निकलते हैं यार उस वाली जगह पर जो लोकेशन हम लोगों को आयरन मैन ने ऑलरेडी भेज दी है। बस इसने काफी ज्यादा परेशान किया इस हल्के बच्चे ने, इसको एक काम करते हैं बुरी तरीके से तड़पाते हैं। अरे हाँ यार इसे बुरी तरीके से तड़पाओ, छोड़ो मत इसे बिल्कुल भी। अरे ठीक है बॉस टेंशन मत करो, एकदम बढ़िया तरीके से इसके दिमाग में मैं करंट दिए जा रहा हूँ, इसको पता चलेगा हमसे पंगा लेने का नतीजा। अरे वाह बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अरे देखो बॉस एकदम करंट दे देकर मैंने इसे कैसे पागल कर दिया है। अरे बहुत ही ज्यादा बढ़िया बहुत ही ज्यादा बढ़िया, अब मजा आएगा ना। अरे रुको बॉस अभी फिर से करंट देता, ये ले ये ले। अरे वाह यार तुम तो कमाल हो यार। अरे हाँ बॉस मुझे पता है, इसलिए तो कभी घमंड नहीं करता मैं। अरे वाह और दो इसे करंट और तो। अरे हाँ बॉस रुको रुको, अभी बिल्कुल ही से आज पागल ही करके छोड़ेंगे हम लोग। वाह वाह मजा आ गया मजा आ गया। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बॉस ये तो पागल हो गया। अरे और फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे हाँ बॉस फटाफट से निकलना पड़ेगा। मुझे परेशान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। और तेरा वो साथी कहाँ गया? कब से परेशान करके रख रखा है तेरा वो साथी, उसे तो और भी नहीं छोड़ूंगा। कहाँ भाग के जा रहा है? ये रहा भाग रहा, मुझसे भाग रहा है। अरे भागो भागो भागो। अरे भागो 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 कर रहा है, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। क्या कह रहा था? हल्क को पागल करेगा तू, हल्क को पागल करेगा, बोल अब कर पागल। मैं पागल हो गया। अरे मैं सच में ही पागल हो गया क्या? पता नहीं लेकिन जो भी करूंगा छोड़ूंगा नहीं, कोई भी मेरे सामने ही क्यों ना आ जाए। चलो चलो गाइस हम लोग आ गए हैं, शायद यहीं पर हल्क मिलेगा। अरे ये कौन है? अरे फेमे यार ये हल्क कहाँ से आ गया? अरे भाई साहब भागो भागो। अरे यार तुम तो पावर्स लेकर आए हो ना यार लड़ने के लिए। अच्छा पावर्स लेकर आए हो, छोड़ूंगा नहीं। मैं पागल हो गया, मैं तो पागल हो गया। अरे वाह क्या पानी है, एकदम मस्त नहाता हूँ यार, मुझे तो स्विमिंग पूल में मजा आता है नहाने का। वाह यार क्या पानी है, ठंडा ठंडा पानी। अरे फेमे यार मैं कह नहीं रहता ये पागल हो गया है, ये तो सच में ही पागल हो गया। अबे भाई साहब अभी एकदम से ये तो गाय हम पर हमला करने आ रहा था, ये छोटे बच्चे की तरह पानी में तैर रहा है। अरे वाह क्या ठंडा पानी है, मजा आ रहा है। वाह वाह अरे वाह मैं तो पानी के अंदर दौड़ भी सकता हूँ। वाह क्या मजा आ रहा है ठंडे पानी में, रोज आना चाहिए इधर स्विमिंग करने के लिए, रोज लोगों को मारना चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। या इसकी गाड़ी उठाई और उसकी गाड़ी फोड़ी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह इधर पानी है, पानी में तो मजा ही आता है तैरने का। अरे वाह उधर पहाड़ भी है, पहाड़ों की तरफ चलते हैं। भाई साहब ये हल्क सच में पागल हो गया क्या? अरे फेमे हाँ यार कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, कभी भाई साहब हमारे ऊपर हमला कर रहा है, कभी इधर उधर कूद रहा है, कभी उधर छोटे बच्चे की तरह जाके भाई पानी के अंदर तैर रहा है, कभी गाड़ियां फोड़ रहा है। अबे सच में ही पागल हो गया है क्या? अरे फेमे मैं कह नहीं रहा था यार, उसके दिमाग में अगर गोली लगी तो उसका स्क्रू ढीला हो जाएगा। भाई साहब एक्सक्यूज मी कौन कह रहा था? अरे
मतलब तुम कह रहे थे यार चौप? चौप कलू मैं कह रहा था मेरे को श्रेय मिलना चाहिए। अबे ये कहने के लिए किसी को अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन भाई ये तो बताओ ठीक कैसे होगा वो? अरे फैम यार मुझे तो लगता है अगर जब तक हम लोग उसे हरा नहीं देते तब तक वो ठीक नहीं होने वाला। अब ऐसे भी काम कर कलू तो उसको बुरी तरीके से पीट, और क्या पता जैसे उसके गोली लगी है तो उसका दिमाग हिल गया है, वैसे दोबारा से चोट लगेगी तो दिमाग ठीक हो जाएगा। अरे फैम हाँ यार तो ये बता तूने जो वो वाली फिल्म देखी थी उसमें क्या हुआ था? भाई साहब उसमें यार हीरो को गोली लगी थी, फिर भाई साहब दोबारा गोली मारी गई तो वो दो हीरो ठीक हो गया। अबे नहीं भाई साहब हीरो निकल गया सीधा है। भाई साहब हाँ यार लेकिन वो तो हीरो था, ये तो एवेंजर है। हाँ हाँ ये भी बात है। ओके गाइस वैसीन के आइडिया पे मुझे थोड़ा कम भरोसा है, लेकिन इसके अलावा चारा ही क्या है? अरे फैम वही तो यार, तुम भी अपनी पावर का इस्तेमाल करो और फटाफट से तबाही मचाओ। तबाही मचाओ अरे मतलब हल्को ठीक करो। गाइस यार यही तरीका आजमाना पड़ेगा, वैसे भाई साहब इधर उधर गड़बड़ हुई तो भाई साहब कल हल्क निकल लेगा ऊपर। अबे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आयरन मैन हमें नहीं छोड़ेगा। अबे नहीं होगा भाई, तू भूल मत वो एवेंजर है। ठीक है यार, वैसे गाइस अभी मुझे फटाफट से पावर्स को एक्टिवेट करना होगा। तुम लोग एक काम करो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अरे हाँ गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ गाइस अभी कभी जाकर वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुंचा दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे हाँ गाइस फटाफट से अभी कभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना। अभी तो गाइस जल्दी से चलते हैं भाई साहब हल्क को ठीक करने। ओके सो गाइस यहाँ पर फाइनली जो मैंने अपनी पावर से वो एक्टिवेट कर लिया, वैसे मेरी क्या हल्क बस्टर की पावर, और फटाफट से यार इस पागल से अधमरे से हल्क को ढूंढता हूँ। पता नहीं गाइस क्या ही हो गया इसके दिमाग को, फटाफट से गाइस इसको ढूंढ के यार इसका दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। ओए हल्क, ओ हल्क बच्चे आ जा, मैं तेरे को स्विमिंग पूल में झुलाता हूँ। यार कहाँ है ये? ओ भाई साहब एक सेकंड, हल्की आवाज तो आई लेकिन कहां से? ओ भाई आ गया, वो आ गया, वो आ गया, ओ तेरी तेरी ऐसी की तैसी ले बेटा। ओके सो गाइस दोबारा से आ चुका भाई साहब, लगता है पिछली बार पिट के इसका पेट नहीं भरा। इसको गाइस समझाना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तभी समझेगा। ले बेटा ले, तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया ना, रुक जा अभी टाइट करता हूं। गाइस यार इसे बताना पड़ेगा यार हल्क बस्टर के पास कितनी खतरनाक पावर्स है। फिलहाल तो तुम लोग देख सकते हो। ओ भाई, ओ भाई मेरे ऊपर क्यों कूदने आ रहा है? तेरी ऐसी की तैसी निकल। गाइस यार भाई साहब एक बार टच भी नहीं कर पाया यहाँ पर हल्क मुझे, और गाइस यार यहाँ पर पूरी तरीके से मैंने इसे भाई साहब तुम लोग देखो। ओ भाई, ओ मेरे ऊपर वापस से कूदने वाला है, ऐसी की तैसी भाई साहब कूद कूद के हमले करे जा रहा है। ओके सो गाइस फटाफट से तुम लोग देख रहे हो। अरे अरे वाह क्या गाड़ी है, रुक जा तेरे ऊपर फेंकता हूँ। भाई साहब मेरे ऊपर गाड़ी फेंक दी और मेरे को उठा के पटक दिया यार, तेरी ऐसी की तैसी। भाई साहब रुक जा बेटा, गाड़ी फेंक रही है मेरे ऊपर, रुक जा गाइस। अरे 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 एक सेकंड गाइस, मैंने भी गाड़ी को उठा लिया है और तेरे ऊपर फेंकता हूँ। ले बेटा मेरे ऊपर गाड़ी फेंकता है। अरे अंकल आप मेरे ऊपर गाड़ी क्यों फेंक रहे हो? अंकल तेरी ऐसी की तैसी अंकल कह रहा है भाई साहब, अंकल कह रहा है गाइस मेरे को, ये तो हद हो गई यार। अरे अंकल गुस्सा खाओ। अरे अंकल अंकल मत कह, तुझे पता है तू मेरे से कितना ज्यादा बड़ा है उम्र में, अंकल अंकल कहे जा रहा है। अरे दादाजी दादाजी, अरे यार ये दादाजी पे पहुंच गया। सच में गाइस इसका स्क्रू ऊपर का माला कुछ ज्यादा ही खाली हो चुका है। इसको रुक जा यार अभी ठिकाने लगाता हूँ मैं। तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब, यार दादाजी अंकल जी पता नहीं क्या ही बोले जा रहा है। अरे पर दादाजी रुको तो। पर दादाजी अब तो कुछ ज्यादा ही हद हो गई, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। पहले मैं सोच रहा था कि गाइस जब तक दिमाग ठीक हो जाता है तब तक मारेंगे, लेकिन अब तो मैं तेरे को छोड़ने ही नहीं वाला, तू रुक बेटा। गाइस यार दादाजी अंकल जी पता नहीं क्या क्या बोल दिया इसने, कभी आज तक किसी ने मेरे को नहीं बोला होगा, और इसे देखो यार ये कब से मेरे को बोले जा रहा है। अब बोलना बेटा। अरे अंकल जी कितना खिलाओगे? खिलाओगे क्या खिला रहा हूँ मैं? अरे अंकल जी कितना पिलाओगे? पिलाओगे क्या पिला रहा हूँ भाई मैं से? अरे अंकल जी कितना पर्पल जूस पिला रहे हो? पर्पल जूस, इसे ये पर्पल जूस लग रहा है। अरे यार सच में हिल गया गाइस इसका खोपड़ा। ओके ओ वो गया, वो फाइनली गया, आई थिंक गया। हेलो हेलो हेलो, ओ हल्क हल्क बाबू, ओ हल्क बेटा। ओ गाइस फाइनली लगता है थोड़ा ठीक हो जाएगा अब ये, थोड़ी पावर्स को मैं ऑफ कर लेता हूँ। और फ्रैंकलिन क्या हाल चाल है, ठीक हो गए क्या? हल्क बाबू, ओ हल्क बेटा। अरे पागल हो गए हो क्या फ्रैंकलिन, क्या बकवास कर रहे हो? ठीक हो गया तू इसका मतलब? अरे ठीक हो गया क्यों, मुझे क्या हो गया था? अरे बहुत लंबी कहानी है, क्या बताऊं भाई, तू पागल ही हो गया था एकदम अलग ही। अरे अलग ही पागल हो गया तू मतलब? तू छोड़ भाई, तेरे को समझाना मुश्किल है, तेरे दिमाग में करंट घुस गया था, गोली घुस गई थी, तू पागल हो गया था। तेरे को ठीक करने में मेरी हालत खराब हो गई है। अच्छा वैसे हुआ क्या था मुझे? अरे फिर भाई तू
लगता है ठीक नहीं हुआ मेरे को। हल्क बाबू, अरे पागल हो गया क्या फ्रैंकलिन? ठीक तो हो गया लेकिन अजीबो तरीके से क्यों बोल रहा है ये? अरे यार मैं कहां अजीबो गरीब तरीके से बोल रहा हूं, मैं तो बस पूछ ही रहा हूं। अच्छा तो शायद ठीक हो गया गाइस। फिलहाल तो गाइस यार यहां पर फाइनली हल्क ठीक हो चुका है। वैसे गाइस तुम लोगों अगर आज की ये वाली वीडियो मस्त लगी हो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना। फिलहाल तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। तुझे पता है तेरे दिमाग का गेट खोल के उसके अंदर घुस के सारा कचरा साफ करके तुझे ठीक किया है, अभी तू मेरे को दादा परदादा और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। अच्छा मैं? हाँ थोड़ी देर और रुकता तो पता नहीं क्या ही बना देता मुझे।